शाजापुर में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका महासंघ व भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले चल रही हड़ताल के दूसरे दिन माँ राज राजेश्वरी मंदिर से थाली व चम्मच बजाते हुए जुलूस निकाला गया, जो शाजापुर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकला। महिलाओं का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के प्रति मध्य प्रदेश सरकार के अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय बर्ताव के विरोध में मध्य प्रदेश के साथ शाजापुर जिले में महिलाएं पुनः हड़ताल करने को मजबूर हैं, जिसके चलते महिलाएं एवं बाल विकास विभाग का काम पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। चल रही है और आज जो काला पीपल जाते हैं, आंधिया जाते हैं, थोड़ा आया था और उनको एक घंटे पिछा के रखा। मैंने पहले भी बोला था कि उसमें एक अधिकारी ज्यादा समझदार बन रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम अपना अधिकार मानते हैं, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जो हमारा 23 से 28 तारीख से चलेगा। अगर सर 23 से 28 तारीख के बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अनिश्चित हड़ताल। 11 सूत्री मांगों से दो प्रमुख मांगे, एक तो हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और जो आज हमारी 60 साल उम्र पूरी करने पर बहन रिटायर हो रही है उन्हें एक मुफ्त राशि दी जाए। पर 1154 आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बंद है और शासन की सभी योजनाएं इस हड़ताल से प्रभावित हैं और इनकी जो प्रमुख मांगे हैं सरकार से उसको लेकर के हड़ताल की जा रही है कि जो जैसे शासकीय कर्मचारी इनको घोषित किया जाए और रिटायर के समय इनको एक पैसा नहीं मिलता है तो इनको रिटायर के समय पेंशन दी जाए, जिस तरह से सरकारी कर्मचारी को सभी प्रकार की सुविधाएँ होती है शासन की तरफ से उस तरह से इनको सभी प्रकार की सुविधाएँ दी जाए, ना कि इनको भीड़ का हिस्सा समझा जाए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।